You're watching Exposed India. हमारे साथ उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी नीरज शर्मा जी हैं। नीरज शर्मा जी आज इस अवार्ड समारोह में हैं। मैं इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके का प्रोग्राम है। नीरज शर्मा जी, ये किस तरह का? इसमें ये रेलवे का अवार्ड मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 16 अप्रैल 1853 में पहली ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी, तब से ही हर साल इसको त्यौहार को मनाया जाता है। और इसमें ये रेलवे बोर्ड लेवल पर बनता है, जहाँ पर MR अवार्ड्स दिए जाते हैं, जोनल लेवल पर जनरल मैनेजर के लेवल पर अवार्ड्स दिए जाते हैं और डिविजन्स में बनता है। इसमें हर साल भर में जो अच्छे काम किए होते हैं कर्मचारियों ने, उनको पुरस्कृत इसमें बेसिकली किया जाता है। जैसे यहाँ पर आज करीब 250 के आसपास हमारे कर्मचारी हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। जो हमारी पांचों मंडल हैं उसमें अलग अलग मंडलों से और हमारी वर्कशॉप से वहाँ से ये लोग आए हुए हैं, और हर मंडल के DRMs इसमें अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पर। और इसके बाद साथ ही मंडल लेवल पर ये प्रोग्राम होता है, जहाँ पर जो मंडल लेवल पर पुरस्कृत होते हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। बड़ा अच्छा पहल है कि किसी के काम के बदले आप अवार्ड देते हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि वर्तमान में ट्रैक बड़े अवरुद्ध हो रहे हैं, आतंकवादियों की भी नज़र है रेलवे को लेकर के, तो चुनौतियाँ काफ़ी बढ़ गई। जी हाँ, अपनी सुरक्षा और संरक्षा दोनों को लेकर रेलवे बहुत जागरूक है और ये टॉप प्रायोरिटी में दोनों की दोनों चीज़ें, और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सुरक्षा से कहीं भी खिलवाड़ ना हो। और उसमें हमारी RPF है, GRP है, और इंटेलिजेंस इनपुट जो भी मिलते हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। ये चीज़ बताइए कि रेल मंत्री प्रभु के आने के बाद कोई बड़ा व्यापक बदलाव आया है क्या रेलवे के अंदर कार्य प्रणाली को लेकर? काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। पैसेंजर एमिनिटीज़ में बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ा है, जिससे यात्री सुविधाएँ बढ़ रही हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता था वो दुगने से ज़्यादा हो गया है हर साल जो होता था। नए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं जिससे कि आगे फ्यूचर में गाड़ियां और चल सकेंगी। एक चीज़ और, जो ट्रैक की सुरक्षा है वो एक बड़ा प्रश्न है। ट्रैक की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? कहीं इतनी बड़ी बड़ी ट्रैकें हैं, लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, हर जगह क्या सुरक्षाकर्मी मौजूद किए जा सकते हैं, और अगर नहीं तो इन ट्रैकों को सुरक्षित कैसे रखा जाए? नहीं, इसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है कि किस जगह पर ज़्यादा ज़रूरत है सिक्योरिटी की, कहाँ पर नहीं है। जैसे आसाम और कश्मीर वगैरह है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा लगाई जाती हैं। मगर UP में ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं इस तरीके से, खासकर आतंकी गतिविधियों? UP में हुए हैं कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ में रेलवे स्टाफ की लापरवाही थी तो उसको टेकअप किया गया है। कुछ जगह पर NIA की जांच चल रही है, क्योंकि सबोटेज का एंगल उसमें देखा गया था, और रेलवे इसको लेकर पूरा जागरूक है और जो भी करना होगा वो करा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल और आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों से रेलवे में यात्रा को लेकर के यात्री आशंकित हैं कि अब शायद वो उनकी यात्रा उस हद तक सुरक्षित नहीं है जिस हद तक पहले थी। एक असुरक्षा की भावना व्याप्त हुई है, इसको दूर करने के लिए रेलवे क्या कुछ कर रहा है? नहीं, इसको लेके रेलवे बहुत ही जागरूक है, हर स्तर पर वो लोगों को कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि ऐसा कोई डर नहीं है, और सुरक्षित उनकी यात्रा हो या संरक्षित हो, दोनों को पूरा इंश्योर करने का रेलवे प्रयास कर रहा है। एक अंतिम सवाल मेरा और है कि ये जब किसी कर्मचारी को या अधिकारी को अवार्ड मिलता है तो उसके मायने क्या होते हैं? इससे एक तो वो स्टाफ पर्टिकुलर मोटिवेट होता है, बाकी लोग जो उसके साथ होते हैं वो लोग भी देखते हैं कि उसको अवार्ड मिला है, और एक उसके काम को रिकॉग्नाइज करने का जरिया है ये, तो बहुत ज़रूरी है ये अवार्ड देना अच्छे कर्मचारी को। तो सम्मानित होने पर वो एक मोटिवेशन फैक्टर बन जाता है बाकी लोगों के लिए भी, जिससे कि अच्छा कार्य करें। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी। तो ये थे नीरज शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि मोटिवेशनल एक चीज़ है कि जिसके जरिए अवार्ड दे करके लोगों को उनके काम के प्रति प्रेरित किया जाता है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ देवनाथ, एक्सपोज इंडिया। Hi, this is Sana Khan and you're watching Exposed India.